तो बड़ी खबर राजस्थान से बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पहली सूची जारी कर दी है। सांसद दिया कुमारी को विद्याधर से उम्मीदवार बनाया गया है, चुनावी मैदान में उतारा है। सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से उम्मीदवार बनाया गया है, तो बड़ी खबर राजस्थान से। इसके अलावा सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 41 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से टिकट दिया गया है। और बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से उम्मीदवार बनाया है। सांसद देवजी पटेल को सांचौर से उम्मीदवार बनाया है, टिकट मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए सांसद नरेंद्र कुमार की, तो सांसद नरेंद्र कुमार मंडावा से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। राजस्थान की पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, ये बड़ी खबर है राजस्थान के लिए। बता दें कि पहली सूची में वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम है उनका नाम नहीं है। गंगानगर से जगदीप बिहानी को टिकट मिला है। झुंझुनू से बबलू चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर बात की जाए फतेहपुर की, तो फतेहपुर से श्रवण चौधरी को टिकट मिला है। तो ये बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं। नगर से जवाहर सिंह बेडम को उम्मीदवार बनाया है, टिकट मिला है। और इसके अलावा बांदीकुई की अगर बात की जाए तो भागचंद डाकरा को उम्मीदवार बनाया है, उनको टिकट मिला है। बांसूर से देवी सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और राजस्थान के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। बता दें कि इस सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नहीं है। सांसद दिया कुमारी विद्याधर को टिकट मिला है, उनको उम्मीदवार बनाया है, पार्टी ने भरोसा जताया है। सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और इसके अलावा सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। सांसद भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से अब चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने भरोसा जताया है। किरोड़ी लाल मीना सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे, उन पर भी बीजेपी ने पार्टी ने भरोसा जताया है। सांसद देवजी पटेल को सांचौर से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सांसद नरेंद्र कुमार मंडावा से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और राजस्थान की जो पहली सूची है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व सीएम है। और इसके अलावा गंगानगर से जगदीप बिहानी को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहे थे।